अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शत श्री अकाल एंड वनकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेशल डिश जो राइस के साथ बनाते हैं, टैमरिंड राइस, ये है लेमन राइस एंड टैमरिंड राइस। राइस रेसिपीज आपके लिए बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स, इसे कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप पहले देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे आगे जो वीडियोस दिखाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर से टाइम टू टाइम मिले, ठीक है ना। तो चलिए ये टैमरिंड राइस और लेमन राइस कैसे बनाते हैं हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चावल को अच्छा सा धो लेते हैं, धोकर इसको उबाल लेंगे। देखिए इस तरह उबालने के बाद अगर हम लोग 80% तक ये राइस पकना है, पकने के बाद देख रहे हैं ना इसमें क्या डालना है, थोड़ी सी हल्दी, घी और नमक डालकर इसको अच्छे से पका लेंगे। और पकाना है, हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, अगर आप तेल भी डाल सकते हो इस प्रोसेस में, क्यों, हम इसको छानकर निकाल देंगे, माने पानी इसका निकाल देंगे और इसको दम पे लगा देंगे, ठीक है ना। अभी जो हल्दी गया है, हल्दी, घी, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नमक भी डालना बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स राइस में। जो राइस रेसिपीज हम लोग बनाते हैं, बनाने से पहले आप राइस में थोड़ा नमक डाल के पकाओगे तो राइस रेसिपी सुपर्ब टेस्ट रहेगा, पता है ना। अगर नमक कम भी हो गया ना, इतना अच्छा बनाने के बावजूद वो रेसिपी का टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स। और थोड़ा शक्कर डालकर चावल को पका लीजिए, इससे क्या होता है ना, अच्छा सा चावल खिला खिला रहेगा और बहुत ही टेस्टी रहेगा। ये टिप मैं आपको बता रही हूँ, जो भी राइस रेसिपी आप बनाओ तो इस तरह आप राइस प्रिपेयर करोगे तो आप बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हो राइस के। देख लीजिए, इसमें का पानी मैं एक्सेस वाटर निकाल दिया और इसको दम पे रख रही हूँ 2 to 3 minutes। दम पे रखने के बाद इसका गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसी तरह रहने देंगे ताकि जो इसमें जो स्टीम है उससे और थोड़ा राइस पक जाएगा। देख रहे हैं ना इस तरह कैसे आ रहा है वेपर बाहर। अभी देखिए ये राइस बन गया है, इसको एक 5 minutes के लिए रेस्ट पे रखिए और फिर एक बड़ा सा विजल में खाना जो हम लोगों ने बनाया है राइस हल्दी के साथ उसको निकाल लीजिए, क्यों, ये राइस खिला खिला रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह राइस को, जो पका हुआ राइस है उसको इस तरह बड़े से विजल में डालकर अच्छे से ठंडा कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं अभी आपको सिखा रही हूँ लेमन राइस और टैमरिंड राइस, आपको पता है ये राइस के साथ बहुत सारे रेसिपीज आप बना सकते हो। आप अजवाइन राइस बना सकते हो, आप एक फ्राइड राइस के लिए यूज़ कर सकते हो, आप टमाटर राइस के लिए यूज़ कर सकते हो। जो भी राइस के रेसिपीज फ्राइड वाले आपको चाहिए तो पहले इस तरह राइस बनाना इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी हम बनाएंगे। ये रेसिपी के लिए चाहिए राई, हींग, हल्दी, फिर से हल्दी डालेंगे हम लोग, और काजू, बादाम को छील लीजिए और बारीक से इसको कट कर लीजिए। बादाम और काजू को कट करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे। साथ ही साथ चाहिए हमें हरी मिर्च और लाल मिर्च, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, ठीक है ना। ये फ्राई होने का बहुत टेस्टी रहेंगे फ्रेंड्स। हरा धनिया, कड़ी पत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपको पता है ना, मैंने मसाले डब्बे में बताया, ये चने की दाल, उड़द दाल और तिल का पाउडर, पता है ना आपको, अगर नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी रखूंगी और ये आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, आप प्रेस करके निकाल लीजिए। ये है लेमन जूस से मैं राइस बनाऊंगी और टैमरिंड जूस। ये टैमरिंड को मैंने अच्छा सा पका लिया है, गाढ़ा, देखिए इतना थिक टैमरिंड पल्प है ये, तेल और हल्दी डालकर टैमरिंड जूस डाल दिया और अच्छे से पका लिया। ये मैं रेडीमेड रखती हूँ अपने घर में, जब मैं बनाकर, होममेड है ये, जब भी कुछ भी खट्टा बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने दूसरा टिप भी बता दिया, इमली का पल्प कैसे बनाते हैं ना। तो अभी चलिए तेल ले लीजिए, तेल लेकर उसमें डालेंगे हम लोग राई, पहले राई डाल दीजिए,
फिर काजू और बादाम को डाल दीजिए, अच्छे से फ्राई होना है काजू बादाम। ये देखिए ना फ्रेंड्स, मैं ये रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। हल्दी, हल्दी ना बहुत ही एंटी इंफ्लेमेटरी है। हल्दी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स बहुत देता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आजकल हमें इम्यूनिटी की भी बहुत ज़रूरत है। हल्दी मस्त मस्त आपको बेनिफिट देगा। ये क्या इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हम लोग हर बार बोलते हैं ना, इम्यूनिटी लाने के लिए ऐसे खा लिया तो इम्यूनिटी आ जाएगा क्या? नहीं, बस हमें हर एक चीज़ को बारीक से समझना होगा, एक एक चीज़ को हम लोग को समझना होगा, और हल्दी इसमें बड़ा ही हाथ लेता है बेनिफिट देने के लिए। तो आज हम लोग हल्दी से ये दो रेसिपीज मैं आपके लिए मुस्कान रसोई पाठशाला से सिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी रहेगा फ्रेंड्स। ये काजू बादाम थोड़े निकाल लिए, ये गार्निश के लिए। इसके साथ साथ रेड चिलीज पहले डालिए, बाद में ही ग्रीन चिलीज डालिए। क्यों? रेड चिलीज और ग्रीन चिलीज एक साथ डालोगे तो रेड चिलीज अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। आप ना बाद में ये चिलीज आप खाना पसंद करोगे तो रेड चिलीज मस्त मस्त टेस्ट होता है फ्रेंड्स। हम लोग तो ना बच्चे बच्चे बैठ के रेड चिली ग्रीन चिली के झगड़ा करते थे, हमें चाहिए हमें चाहिए, मिर्ची बहुत खाते हैं ना हम लोग। इस तरह अच्छे से पका लीजिए, फिर ग्रीन चिलीज डाल दीजिए इसमें। इसको अच्छे से भूनना है, भून लीजिए इस तरह। भूनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पाउडर बनाया है ना, उड़द दाल, चना दाल और तिल का, वो पाउडर भी इसमें डालेंगे। तो पहले डाल दिया कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के भी बेनिफिट्स बहुत है। अगर हेयर ग्रोथ आप चाहते हो, कड़ी पत्ता बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स। हर करी में आप कड़ी पत्ता लोगे तो उसके बेनिफिट्स आपको बराबर से मिलेंगे। हमें जो भी पकाते हैं खाते हैं उसमें से जो विटामिन है, जो मिनरल्स है, जो कुछ भी है, हम लोग जो पकाते हैं ना उसमें बहुत सारा उड़ जाता है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। जो ज़्यादा डीप फ्राई करना है उसी को तो करना पड़ेगा, है ना। अभी देखिए मैं डाल रही हूँ हल्दी और हींग। हींग है बादशाह, किंग तो सुपर बादशाह। तो हींग और हल्दी को भी डाल दिया और अच्छे से भून रही हूँ। इस तरह आप बना के बच्चों को भी दीजिए, बड़े भी पसंद से खाएंगे। और ये खट्टी जो लेमन है, लेमन भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए, तो आप इस तरह बना सकते हो। ये दोनों कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगी, ठीक है। जैसे भून लिया, अभी नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से अभी जो भी हम लोग बादाम काजू डाले हैं ना, वो नरम नहीं होंगे। इस प्रोसेस पे ही आप नमक डालिए, ये बड़े बड़े क्रिस्पी रहेंगे। हरी मिर्च, रेड चिली, कड़ी पत्ता और काजू बादाम भी बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगी। इस तरह बनने के बाद हम लोग इसको पाउडर भी डालकर अलग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पाउडर डालेंगे, ये चना, चने दाल, उड़द दाल और तिल अच्छे से भून लिया मैंने। थोड़ा नमक डालकर पाउडर बना लिया। आपको तो पता है ना, मैंने मसाला डब्बे में बताया आपको, वही पाउडर है, ठीक है। इस तरह डालकर अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसके दो पोर्शंस कर लेंगे हम। एक पकेगा इमली में और एक जाएगा नींबू के साथ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। जितना आपको लेमन राइस खाना है ना, तो उतना इसमें से मसाला अलग से निकाल दीजिए और थोड़ा इमली के लिए रख दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, इमली का राइस ना शाम तक भी रह सकता है और नेक्स्ट डे भी रहेगा, इतना टेस्टी रहता है। ये इमली का जो पल्प से हम लोग राइस बना रहे हैं ना, वो बहुत देर तक रह सकता है। तो इस तरह मैंने अलग से निकाल लिया। थोड़ा सा लेमन राइस चाहिए मुझे, तो इस मसाले से मैंने थोड़ा सा लेमन राइस के लिए निकाल लिया। देख रहे हैं ना आप। अभी देखिए इसमें मैं नींबू का जो जूस है उसमें बीज निकाल दीजिए। बीज निकाल कर इसमें नींबू डाल दीजिए, ठीक है। अभी जो दूसरा पोर्शन है, हम लोग उसमें डालेंगे इमली, इमली का पल्प। पहले नींबू, सॉरी, अभी इमली, पहले के इसमें इमली डालेंगे। अच्छे से पका लीजिए। अगर आपके पास ये पका हुआ इमली नहीं है, आप डायरेक्टली इमली का जूस निकाल कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरह भी बना सकते हो, या अगर पल्प नहीं है तो इमली मत निकाल कर उसका जूस निकाल कर बना लीजिए। वो पक रहा है तो पहले हम लोग इसको नींबू का राइस बना लेंगे। नींबू राइस के लिए नींबू डाल दिया मैंने और इसको अच्छे से मिला रही हूँ।
मिलाकर हम लोग थोड़ा राइस डाल देंगे। अभी देख लेना कितना खिला खिला राइस है, इस राइस को हम लोग बघार में डाल लेंगे, डालकर अच्छे से मिलाना है फ्रेंड्स। बहुत ठंडा कर दीजिए, लम्स फॉर्म होंगे या फिर ये अच्छा सा मिलेगा नहीं, इसलिए ठंडा होने के बाद ही डालिए फ्रेंड्स। आप एक और भी कर सकते हैं, अगर रात का बचा हुआ खाना है उससे भी हम लोग इस तरह बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो रात का जो खाना है उससे भी हम लोग ये राइस बनाकर खा सकते हैं, लेकिन बच्चे अभी कहाँ पसंद करते हैं, गरम गरम ही तो चाहिए है ना, और उनका मन पसंद ये हेल्दी वाला फूड हम लोग बना रहे हैं लेमन में। ये देखिएगा लेमन राइस रेडी। अभी देखिएगा इसको थोड़ा गार्निश कर लिया काजू और बादाम से और हरा धनिया डालकर मैंने इस तरह बना लिया। अभी चलेंगे इमली के राइस में। वाह पक गया, देखे ना अच्छे से, ये पकना है इमली माने पानी पानी कहीं भी नहीं रहना है दोस्तों। इस तरह अच्छा सा थिकली पकने के बाद ही आप राइस डाल दीजिए इसमें। ये खाना ज़्यादा खाते हैं हम लोग इसलिए थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आपको आप बताइए ना आपको लेमन राइस पसंद है या फिर टैमरिंड राइस, कमेंट में कीजिए। अगर नहीं है दोस्त आप लोग सारा वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये देख लीजिए। और अगर मेरे चैनल में ये वीडियोस आपको पसंद आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर मुझे ये चैनल को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। ये देखिए ना इसको अच्छे से मैंने मिला लिया इमली का राइस। अगर आप नींबू पसंद करते तो नींबू का बना लीजिए, आप टैमरिंड पसंद करते तो टैमरिंड भी बना लीजिए है ना। ये देखिएगा ये है टैमरिंड राइस रेडी। इसको भी मैंने अलग से निकाल के रखा है ना काजू और बादाम, वो गार्निश के लिए रख दिया। इस तरह ये हमारा टैमरिंड राइस रेडी। तो दोस्तों कैसे लगा, देखिए खिला खिला लेमन राइस। बहुत मजेदार है ये। चलो देखेंगे इसको कैसा है ये टेस्ट। नमक सारे चीज हम लोग डाले हैं, पाउडर मसाले भी डाले हैं और काजू बादाम भी है। वाह वाह वाह, खाकर देखूंगी नमक बराबर कि नहीं। वाह वाह वाह, सुपर 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 डिलीशियस। अभी देखेंगे टैमरिंड राइस, टैमरिंड राइस कैसा है। मेरा मनपसंद तो टैमरिंड राइस है, आपका क्या पसंद है बताइए मुझे। ये भी देखेंगे कैसा है, नमक मैंने बराबर से तो डाला है पता नहीं। वाह डिलीशियस, यम्मी यम्मी टेस्ट। तो ये रहा फ्रेंड्स अभी के लिए, तो मैं साइनिंग ऑफ MRP।